केरल के वायनाड में दिल झकझोर देने वाली प्राकृतिक आपदा ने हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया है। 4 घंटे में हुए 3 भूस्खलन में 4 गांव बह गए हैं। कम से कम 95 लोगों की मौत हो चुकी है और अनगिनत लोग फंसे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत हो रही है। सैकड़ों लोग मेपाड़ी के पास पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। सारे संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। घर गाड़ी सामान सब बह चुके हैं। NDRF SDRF सहित सेना की मदद से 125 के आसपास घायल लोगों को निकाला जा चुका है। केरल में 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा इलाका है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि अधिकतर सड़कें ढह गई है, एक पुल बह गया है। अधिकतर इलाकों का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है। बचाव कार्य के लिए हम लगातार संपर्क में लगे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में बाधा आ रही है। कन्नूर से आर्मी के जवान वायनाड भेजे गए हैं। भारी बारिश के चलते एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स कोझिकोड से आगे नहीं बढ़ सके।